वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ पर्सनल फाइनेंस प्रोग्राम। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग अपनी जो फाइनल प्रोजेक्ट मिला है बैचिक कॉलम को उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सा फाइनल प्रोजेक्ट मिला, आपने उसको किस तरह से परफॉर्म करना है और किस तरह से उसको सबमिट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं।
सर मैंने पूछना था कि इसकी रिकॉर्डिंग लिंक जो है उसका वो मिल जाएगा सामने को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब जी, इसका रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा सर? जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी आ रही मुझे। आप बताएं कि आप। जी मैं ये पूछ रहा था सर, इसका रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी सेशन की। जी चलो, थैंक यू सर। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके जो है आपके LMS के ऊपर अपलोड हो जाएगी। चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों ने फर्स्ट तो लिंक कॉपी कर लिया। मैं चीज़ें रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्टेड से हटा के एनी वन विद द लिंक कर लेना है। एनी वन विद द लिंक करने के बाद आप लोगों ने ये लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने एक वर्ड की फाइल बनानी है। उस वर्ड की फाइल के अंदर आपने इस तरह से अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो बतानी है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आपका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, बैच क्या है, और आपके कोर्सेज, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिंक जो है जो कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने LMS के ऊपर जाना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, आप लोगों को बैच 6 के अंदर लॉगिन करना है, तो हम लोग बैच 6 के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट मेरा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास सिर्फ जितने कोर्सेज के अंदर आप इनरोल हो रहे हुए होते हैं उतने कोर्सेज के आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये सारे कोर्सेज की एक्सेस, इसलिए मेरे पास सारे आ रहे हैं। तो मैं iOS डेवलपमेंट की असाइनमेंट सबमिट, प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, तो मैंने यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट्स में गया जिस डॉक्यूमेंट पे मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ iOS डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं, आप डॉक्स की फाइल सबमिट करवा सकते हैं, PDF की करवा सकते हैं, पावर पॉइंट की भी करवा सकते हैं, और एक्सेल की फाइल भी जमा करवा सकते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल, डॉक्स की फाइल सबमिट करवा रहा हूँ। मैं ओपन करता हूँ, दिस फाइल इज इन यूज। अच्छा, पहले मुझे ये फाइल जो है ये क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन किया हुआ है, तो इसलिए सबमिट नहीं होगी। मैं क्लोज करके अब ओपन करता हूँ, तो अब ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर आपको वर्ड फाइल आपकी अपलोड नहीं हो रही तो आप इसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करने की कोशिश कर लें। कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी वर्ड की फाइल के अंदर कोई इशू आ रहा होता है, हो सकता है आपका वेरिएंट का कोई इशू हो, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें PDF, ठीक है। PDF में कन्वर्ट करने के बाद उस PDF को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप। अगर आपकी PDF भी अपलोड नहीं होती तो आप उसको एक एक्सेल की फाइल के अंदर अपलोड कर सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट फाइल्स आपके पास आ जाते हैं, आप यहाँ पर चूज़ फाइल करके उस फाइल को चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल चूज कर ली, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास iOS का प्रोजेक्ट जो है वो सबमिटेड आ गया। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आप लोग जब प्रोजेक्ट अपलोड करेगा तो कोशिश करें आपने जो जो चीज़ अपलोड करनी है वो सारी एक फोल्डर के अंदर रखें। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रख ली थी,
देखें, मैंने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने अपना सोर्स कोड भी रख लिया था। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, कोई वीडियो रखनी है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर रखी, वो आप लोगों ने सारी एक फोल्डर के अंदर रखी, उसके बाद इस फोल्डर को जिप करना है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोई स्टूडेंट्स अपनी फाइल्स को मिस कर देते हैं, मतलब एक बार फाइल सबमिट करवा दें उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो ये भी सबमिट करवाना था, तो उनकी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो जो चीज़ सबमिट करवानी है सारी आप लोगों ने, उसके बाद उस फोल्डर को जिप करना है। जिप करने के बाद ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है, उसका लिंक कॉपी करके एक वर्ड फाइल के अंदर पेश करना है, अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, और देन आप लोगों ने सबमिट करवाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास अभी देखा मैंने एक बार ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दी है, तो उसके बाद अब मेरे पास दोबारा ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं इसको दोबारा से अपडेट कर सकूं या मैं इसको सबमिट कर सकूं। तो आप लोग सिर्फ इसको एक बार ही सबमिट करेंगे, और आपने केयरफुली सबमिट करवाना है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें सबमिट करानी है आप वन टाइम में ही इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। और मैंने आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट किस तरह से परफॉर्म करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। तो आप लोगों ने उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको परफॉर्म करना है और अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। आप लोगों ने अपनी तरफ से एक बेस्ट देना है कि आप लोगों ने ये एक एप्लीकेशन बनाई है, वो आपकी एप्लीकेशन इस काबिल हो कि आप लोग उसको ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सको, ठीक है। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट को देखते हुए आप लोगों की मार्किंग होगी, और जिनके ग्रेड्स ए प्लस आएंगे और जिनका आउटस्टैंडिंग वर्क होगा उनको PFTP मैनेजमेंट की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा, उनको प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस करके आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और आप लोगों को अगर आपके कोर्स के अंदर कोई इशू आ रहा है या आप लोगों को कोई मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई इशू है, आप लोगों का कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, तो आप लोग इस सेशन के अंदर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो आप लोगों का जो अभी सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके LMS के ऊपर मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का मिस हो गया है सेशन वो भी इसको सुन सकेंगे आपके LMS के ऊपर। यहाँ पर रूम सेशन का एक टैब आ रहा है, आप सेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रीवियस रूम सेशन हुए हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने LMS के ऊपर जाके यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जिन जिन का सेशन मिस हो गया है जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर उनका कोई क्लासमेट का भी है तो आप लोग उसको भी गाइड करते हैं कि इस तरह से आपको जो है LMS के ऊपर आपका सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो साइट के ऊपर लगता है इंटरनेट इशू की वजह से लोड नहीं हो रही, बट आप लोग जैसे ही LMS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके तमाम जूम सेशन जो प्रीवियस हो चुके हैं और जो अगर नेक्स्ट अपलोड होंगे वो भी वहां पे ही शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।